हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि SBI क्लरिकल के लिए कम्प्लीटली ग्रीन सिग्नल है। अभी आपने देखा जूनियर एसोसिएट की जो बेट लिस्ट नंबर 1 है इसको SBI ने जारी कर दिया और अभी लगभग 2 बेट लिस्ट और आएंगी, बेट लिस्ट नंबर 2 और 3। तो आप ये मत सोचना कि ये जो बेट लिस्ट 2 और 3 जब क्लियर होंगी उसके बाद हमारा नया रिक्रूटमेंट आएगा। इसका गैस नए रिक्रूटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि SBI जो है वो कंप्लीट अपनी जो वैकेंसीज निकालता है, अगर उसमें वो फुलफिल नहीं हो पाती है तो उसके बाद वो फर्दर बेट लिस्ट निकालता आता है। एक बार तो गैस ऐसा था कि बेट लिस्ट 4 और 5 जो हमें देखने को मिली थी। तो आप ये समझ कर जाएं कि बैकलॉग वैकेंसीज SBI में बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। जैसे जो नया रिक्रूटमेंट 2022-23 का आएगा तो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी बहुत सारी वैकेंसीज हैं उसको इसमें कंसीडर करके ऐड कर दिया जाए, ऐसा बहुत रेयरली होता है। और नंबर्स होते हैं वो लगभग 25-30 के आसपास में अगर होते हैं तो होंगे, क्योंकि SBI पुराने रिक्रूटमेंट के जो भी कैंडिडेट उसको लेने होंगे वो अलग अलग बेटलिस्ट निकालकर लोगों को ले लेगा। तो ये मन में मत ख्याल लाओ कि यार अभी तो बेटलिस्ट बनाई है फिर 2-3 आएगी उसके बाद रिक्रूटमेंट आएगा, ऐसा नहीं है। एनी डे कभी भी आपको आने वाले 3 महीनों में प्रिलिम्स के लिए तैयार रहना है, और साथ में आपका RRB PO, RRB क्लरिकल, ये भी बड़े एग्जाम्स हैं, ये भी उसी के आसपास में आपके हो सकते हैं। तो अभी जो टाइम मिल रहा है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, एनी डे रिक्रूटमेंट आ सकता है। और फिर आपका प्रिलिम्स होगा विद इन डेज, तो आप इतने तैयार एटलीस्ट होने चाहिए कि आप प्रिलिम्स को क्वालिफाई कर पाए। एक चीज मैं कहूंगा कि प्रिलिम्स के लिए अपना एक डे प्लान बनाओ और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसको एक बार में रिवाइज करो कंसेप्चुअल बेसिस पर। लाइक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, आपके डेटा इंटरप्रिटेशन हो गए, आपका नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सीरीज हो गया, फिर आपका अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें एक कंबाइंड फॉर्मेट में करनी है। और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये जब आप फास्ट मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये आप 10-10 क्वेश्चन जरूर डेली बनाओ, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सेट बनेंगे, हो सकता है कहीं पर सिंप्लीफिकेशन आए, कहीं पर आपका अप्रोक्सीमेशन आए। तो इस तरीके से हमें क्वांट तैयार करना है। रीजनिंग के लिए मैक्सिमम पजल्स बनाने हैं, और पजल्स के लिए आपको हमारे करंट अफेयर्स फंडा पर जो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने अभी तक 10 पजल अपलोड किए हैं, बाकी और 100 पजल की जो सीरीज है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जैसे ही RBI असिस्टेंट मेंस का एग्जाम खत्म होगा देन वी विल स्टार्ट द प्रीलिम्स कंप्लीट सीरीज। ओके, दूसरी एक जरूरी चीज और है कि इंग्लिश सेक्शन को रूटीन में लाने के लिए डेली न्यूज़पेपर इसका एडिक्शन लगाओ, और मैक्सिमम कोशिश ये करो कि कोई भी एक ग्रामर की बुक पकड़ो और उससे बेसिक ग्रामर का फंडामेंटल है उसको आप खत्म कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आप ग्रामर का थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आपके प्रीपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इनको अगर आप कर लोगे तो आप एग्जामिनेशन में इतने एरर्स निकाल पाओगे, क्योंकि अगर 10 नंबर एरर आ गए तो आपके यहां से मिल जाते हैं। टेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी ग्रामर आनी चाहिए तब जाकर आप एग्जाम में एलिजिबल हो गए। और न्यूज़पेपर जो रीडिंग ओरिएंटेड है, मैक्सिमम रीडिंग आप करोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, फिर बात आएगी हमारी मेंस की, तो ये सारे सब्जेक्ट तो एज अ प्रीलिम्स मेंस में पूछे आएंगे, तो उसके लिए जो करंट अफेयर्स है वो डेली बेस पर पढ़ना स्टार्ट करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, वीकली, मंथली और रिवीजन जो सारी PDF है वो करंट अफेयर्स फंडा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मैं आपको नीचे उसका लिंक दे दूंगा, सो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को, और वहां पर स्टोर में एक प्रो पैकेज है जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स दिया है, तो आप उसको देखें और अपनी प्रिपरेशन को और आगे लेकर जाएं। थैंक यू सो मच गाइस, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर पूछेगा जिससे मैं आपका रिप्लाई कर पाऊं। और अभी आगे आपको बहुत सारी क्लासेस में देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।